Assalamualaikum दोस्तों, आज की वीडियो में हम बावन चेस्ट में कोड कटिंग करेंगे। बावन चेस्ट कोड कटिंग के लिए स्केल मेथड निकालना काफ़ी मुश्किल रहता है, तो आज इस वीडियो में मैं आपकी ये मुश्किल हल कर दूंगा, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से आपको बावन चेस्ट में कोड की कटिंग बताने लगा हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम कोड में बैक कटिंग करेंगे। बैक कटिंग के लिए दामन में स्ट्रेट लाइन कह लें, जितना दामन में मार्जिन रखना हो स्क्वायर लाइन कह लें। यहाँ पर हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, मार्जिन को स्क्वायर लाइन कह लें। दामन की लाइन से लेंथ का मार्क लगा लें। 29.5 इंच कोट में लेंथ है, तो इसमें हम 1/2 इंच कम करेंगे बैक की लेंथ के लिए और 29 इंच में मार्क लगाएंगे। अब इस लाइन के मार्क से हम आर्मोर डाउन का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि हम जितने भी बड़े साइज की कोट कटिंग कर रहे हो 10.5 इंच पे ही आर्मोर का मार्क लगाएंगे, जो 42 चेस्ट के हिसाब से है। कमर का मार्क लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लेंथ के हिसाब से कमर का मार्क लगाएंगे, जो 17 इंच बनेगा। इसका मेथड लेंथ के हाफ में 2.5 इंच प्लस करके मैंने लगाया, तो 17 इंच का मार्क हमें मिला है। आर्मोल के मार्क के ऊपर 1/2 इंच का मार्क लगा दो, इतना ही मार्क लेंथ के मार्क से नीचे लगा दें। लेंथ के मार्क को स्क्वायर लाइन कह लें। उसके नीचे जो हमने 1/2 इंच पे मार्क लगाया है, ये 42 चार्ज के 24 पैंस से लिया है, जितना हमने आर्मोर डाउन के लिए मेथड लिया था इतना ही हमने शोल्डर डाउन के लिए मेथड लिया है। आर्मोर के ऊपर जो 1/2 इंच का मार्क है इसको भी स्क्वायर लाइन कर दें, कमाई के मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर देंगे। लाइन से आर्मोल तक 1 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन लगा दें और इस लाइन से हम जितना बैक के अंदर शेप रखना चाहते हैं उतना ऐड करते हुए मार्क लगाएंगे और इस मार्क के हिसाब से दामन तक स्ट्रेट लाइन लगा दें। यहाँ हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है, यानी हम बैक के सेंटर में 1/2 इंच का शेप देंगे। पेट वाले की बैक की कटिंग में हम ज्यादा शेप नहीं देते, तो ये सिर्फ 1/2 इंच का शेप है जो हम आर्मोल के ऊपर की लाइन पर खत्म कर देंगे। अब हम 52 चेस्ट में हाले का मार्क लगाएंगे, तो बैक में हम हाले का मार्क लगाएंगे तो उसका क्या मेथड होगा? तो यहाँ पर हम 52 चेस्ट के हिसाब से हाले का मार्क लगाएं तो ये 4.25 इंच से ज्यादा हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर 46 चेस्ट के हिसाब से हाले का मार्क लगाएंगे तो 46 चेस्ट का मेथड 1/4 इंच मिल रहा है, जो तो चेस्ट का 12वां हिस्सा होगा। 1/4 इंच पे हाले की चौड़ाई को मार्क कर लें, मार्क को स्ट्रेट लाइन कह लें। लेंथ की लाइन में 1 फुट अंदर मार्क लगाकर स्ट्रेट लाइन कह लें। अब ये जो अंदर हमने लाइन लगाई है, इस लाइन से 1 इंच ऊपर उठाकर हमने हाले की उठान के लिए मार्क लगा दिया। इस मार्क तक हाले को शेव कर देंगे। अब हम बैक में शोल्डर का मार्क लगाएंगे, 20.5 शोल्डर साइज है तो उसका हाफ 10.25 इंच बन रहा है। 10.25 इंच पे 1/2 इंच लाइन मार्जिन रखे थे और 11.5 इंच पे शोल्डर का मार्क लगा दें। अब हम कोट में हाफ बैक का मार्क लगाएंगे। हाफ बैक का साइज आप कोट का नाप लेते हुए चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कोट में हाफ बैक का मार्क है वो 20.5 इंच है। हाफ बैक का मार्क आप नाप लेते हुए नोट कर सकते हैं कि जब आप कोट में मेजरमेंट कर रहे हो तो आप ये हाफ बैक के लिए नाप कर लें। 20.5 इंच का हाफ 10.25 इंच बनेगा,
हाँ कर लें, आधा इंच इसमें मार देना है कर लें। हाफ बैक के मार्क के हिसाब से आपने शेप करना है, ये एक सीधा शेप होगा, आर्मोर के डाउन को भी शेप कर दें, एक कर्व शेप रखेंगे आर्मोर के डाउन के लिए। अब ये जो हमें आर्मोर की लाइन मिली है इसमें आधा इंच ऐड करके मार्जिन के लिए मार्क लगाएंगे। छोटा डाउन से अगर हम आर्मोर का साइज सेट करें तो 7 इंच मिल रहा है, 7 इंच का हाफ करके मार्क लगा दें, 80 इंच के बैलेंस के लिए मार्क हो गया। बैक में कमर की फिटिंग का मार्क लगाएंगे, 54 इंच कमर का साइज है तो उसका छठा हिस्सा 9 इंच पे मार्क कर लें। तो हिप का अगर 52 साइज में छठा ऐसा करें तो वह इस मार्क से कम हो रहा है, तो हमने जितना कमर पर मार्क लगाया है इतना ही हिप के लिए भी मार्क कर देंगे जो 9 इंच पर होगा। साइड को ड्राइंग कर लें, सीने से कमर तक ड्राइंग कर लें, कमर से हिप तक ड्राइंग कर देंगे। दो इंच का मार्जिन रखेंगे जो साइड शॉक के लिए होगा। दामन से उठाकर 9 इंच पर शॉक की लाइन का मार्क लगा लें, आधा इंच ऊपर रखकर मार्क कर देंगे जो हमारे शॉक के मार्जिन की कटिंग के लिए होगा। अब हम कोट में बैक की कटिंग कर लेंगे। कोट में बैक की कटिंग कर ली है। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। अगर बैक कटिंग में आपका कोई सवाल हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस सेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।